तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। शाम का वक्त हो रहा है और हम राहुल भैया के साथ हैं। तो पहले तो सबसे पहले कल चित्रकूट जो हम गए हैं और उसके अलग अलग व्लॉग देखे होंगे तो मजा तो आया क्यों, और शाम को जो हमें बोटिंग करने को भी मिली अपना घाट के किनारे। आज हम कहाँ जा रहे हैं राहुल भैया? रीवा से 15 किलोमीटर है। हाँ चिलपुरा। हाँ तो चिलपुरा नदी है। हाँ वही हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं। हाँ तो वहाँ पता चला है ऐसा कि नहर भी है, तो नहर भी दिख सकती है और डैम भी है। डैम भी है तो घूमने। हाँ तो अभी यहाँ थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है तो निकले हैं। थोड़ी देर में वैसे सनसेट भी हो जाएगा, पर दिखाते हैं वहाँ का। हाँ दिखाएंगे नजारा नजारा ही दिखाएंगे जो जो हमें दिखेगा। हम तो भाई गए नहीं है, हम भी जाके देखते हैं कैसा कैसा माहौल होता है। पर हाँ अभी पहले रास्ता देख लेते हैं। तो भाई फाइनली हम अपना यहाँ सिलपुरा जो नहर है वहाँ पहुंच चुके हैं। व्यू दिखाई होगा और यहाँ हम खड़े हुए हैं। तो कैसा लग रहा है राहुल भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के बारे में आप क्या बता रहे थे जरा बताइए, जो आप नदी की बात कर रहे थे और जो दो नदियों की बात बता रहे थे। ये सोन नदी है, मतलब सोन नदी से पानी आता है। हाँ और इससे आगे जाके जो नहर है। हाँ ये नहर, एक सेकंड थोड़ा हम घुमा के दिखा दे। डैम है, डैम से सीधे आगे नहर है। हाँ नहर से आगे मतलब इस पानी वो बनती है लाइट। हाँ बिजली बनती है। हाँ और पूरे रिवर में सप्लाई होती है। हाँ तो भाई जैसे दिखा होगा यहाँ पानी का मतलब पूरा स्टोर हो रखा है, मतलब स्टोर होता है यहाँ से आगे फ्लो होता है। और नहर आते वक्त भी दिखी थी और इतना खूबसूरत पीछे सनसेट भी ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। और यही आई थिंक दो जो नदियां हैं, आप कौन कौन सी नदियां बताए थे? सोन नदी है और एक बिहन
बिहर नदी है। हाँ। नहीं सॉरी बिछिया नदी है। हाँ बिछिया सोन नदी और बिछिया नदी दोनों मिलके बिहर नदी बनती है। हाँ, तो बिहर नदी बनती है, जो हमारी बड़ी पुल एक छोटी पुल है। हाँ। रीवा में वो नदी वहाँ दिखती है उसकी झलक भी। हाँ। पर अभी तो भाई हम यहाँ झलक देखने आए हुए हैं। और ये गाँव का क्या नाम था जो हम देखे थे? भूल है ना, भटलो गांव का नाम है, सिलपरा नदी के नाम जानी जाती है, गांव का नाम भटलो है। हाँ, तो बढ़िया भाई, यहाँ पूरे गांव का ऐसे नजारा तो दिख ही रहा है, जैसे सूरज भी दिख रहा है और यहाँ पे पीछे आ रहा होगा थोड़ा बहुत झलक, यहाँ मंदिर भी बना हुआ है एक काफी खूबसूरत, तो पीछे मंदिर है। और भाई यहाँ आके अपना चिल कर सकते हैं थोड़ा, हम भी यहाँ रुके हुए हैं ताकि मन को शांति मिलती है, मंत्र मुग्ध हो जाए यहाँ पे। कल भी जैसे अपना जो रात को बोटिंग हुआ था इवनिंग में, वो भी हमारा इवनिंग टाइम ही है ना, बढ़िया था, बढ़िया था भाई इवनिंग टाइम पे, मस्त हम गद्दे वद्दे में बैठ के अपने पाँव को भी आराम दिए थे। और आज हम यहाँ नज़ारा देखने भी आए, तो ये वाली जो जगह राहुल भैया ने बताई भाई, भटलो गांव में सिलपरा नहर जो है, तो बढ़िया नज़ारा है भाई यहाँ पे। और ऐसी बस चलते रहो। एक चीज़ और राहुल भैया यहाँ के बारे में अभी मैं बोलते बोलते याद आया, ये तो वैसे फेमस है पर और किस चीज़ के लिए ये नहर फेमस है भाई? मैंने मतलब वैसे सर्च किया, जब राहुल भैया ने बताया कि यहाँ नहर के बारे में एक बार आप देखिए, तो हमने भाई सर्च करके देखा और थोड़ी न्यूज आनी शुरू हो गई कि यहाँ कोई भाई मतलब कभी कभार लोग कोई हादसा हो गया, नहाते नहाते हैं। हाँ। नहाते नहाते इसने पैर फिसल गए, चले गए। सही में भाई ऐसे पता चली बॉडी मिल गई वहाँ छन्ने में, कहाँ मिलती है छन्ने में, छन्ना लगा हुआ है। हाँ। वहीं जाके बॉडी मिलती है। हाँ, तो भाई ये भी गलती से कोई चला गया। हाँ। मतलब कोई भी यहाँ घूमने आए तो सिर्फ देखे इसको, देख के आनंद ले, इसमें घुस के आनंद ना ले। हाँ, ये भी भाई थोड़ा अवेयरनेस का पॉइंट है कि यहाँ हम आए हैं पर हम थोड़ा बाउंड्री से पीछे ही, और यहीं खड़े होके हम जो भी फोटो वीडियो बना रहे हैं तो यही ले रहे हैं, क्योंकि खबरें भी आ जाती है यहाँ पे, तो व्यू का आनंद तो ले लेकिन थोड़ा संभल के ले, उपयोग ना करें। हाँ, तो भाई बढ़िया। और यहाँ पे जो एक भैया मिले थे रास्ते में, वो भी क्या बता रहे थे, पानी निकालने रहे थे बिना लाइट का पानी, मतलब बिना लाइट का पानी मतलब पाइप इधर डाले और इधर नीचे कर दिए, इतना हाइट में है कि स्लो में पानी। हाँ। पाइप से मतलब प्रेशर बना इधर। हाँ। ऐसे निकलने लगता है तो होगा बिना लाइट के पानी। हाँ, तो थोड़ा वो भी डिस्टेंस बना के पानी वानी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के भाई यहाँ लोग अपना आई थिंक रस्सी से यूज करके भी लेते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा पास ना जाए, क्योंकि दिख सकता है भाई यहाँ से थोड़ी बहुत सतह तो दिखती है, लेकिन भाई ये कितना गहरा है वो फिर जाके ही पता लगता है आदमी को। और क्या वही बहुत गहरा है वही, क्योंकि ये यहाँ पे बेस टाइप का भी है ना एक, जैसे यहाँ थोड़ा खुल सी गई है, जैसे हमारे पीछे उस तरफ भी नहर बन जाती है और यहाँ पे थोड़ा खुला खुला सा है और फिर आगे नहर कंटिन्यू हो जाती है। तो भाई इंटरेस्टिंग बात तो है ये भी यहाँ की, थोड़ा पिछले वाले कैमरे से भी दिखा देते हैं। और एक चीज दिखाने से पहले राहुल भैया, वो बकरी का आप क्या नाम बता रहे थे? छेरिया। छेरिया, ये यहाँ की भाषा में बोलते हैं, बकरी को छेरिया बोलते हैं। तो राहुल भैया बता रहे थे छेरिया दिखी, मुझे लगा भाई क्या दिखा, फिर राहुल भैया बोले वो बकरी को छेरिया ही बोलते हैं यहाँ पे, तो सही है, वहाँ कुछ लोग चरा भी रहे हैं तो बढ़िया है। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये पूरा एरिया और ऐसा इतना खूबसूरत भाई, सामने सूरज का एकदम व्यू आता हुआ, पूरा रिफ्लेक्शन पड़ता हुआ, शाम का ही वक्त हो रहा है। और थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं तो वो देखो वहाँ पे फिर से नहर अपनी कंटिन्यू हो जाती है जैसा बताया। और भाई यहाँ आगे जाके भी तो काफ़ी सुंदर एरिया, अगर यहाँ आना हो थोड़ा नज़ारा देखना और चिल करना हो, ठीक ठाक बहता पानी भी थोड़ा थोड़ा दिखता हुआ भाई। चंद्रमा कितने है? हाँ यार, हाँ बहुत ही किरण उनकी पानी में पड़ रही है। हाँ, पूरी एकदम डायरेक्ट और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लाइन बनी हुई है, क्यों पूरा एकदम सूरज के भाई किरणें अपनी एकदम लाइन बना के एकदम स्ट्रेट, बहुत ही सुंदर। अब हम भी यहाँ जरा फोटो वीडियो तो बना ही रहे हैं, फोटो वोटो ले लेते हैं जरा। तो भाई अभी हम लोग बढ़िया सूरज के साथ एकदम अलग अलग पोज में फोटो लिए हैं और पीछे दिखाते भी हैं जरा। ये देखो भाई यहाँ पे क्या बढ़िया व्यू लगता हुआ यार, सामने सूरज का और ढलता ही जा रहा है, कैसा लग रहा है राहुल भैया नजारा देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया देख के, फोटो खिंचवा मजा आ गया। फोटो खिंचवाए हैं सूर्य देवता जी के साथ अपना यहाँ पे भाई, ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अब हम भी यहाँ से बस चलते हैं ये नज़ारा दिखाते दिखाते, क्योंकि सूरज भी ऑलमोस्ट भाई ढल तो गया है। हाँ, तो बस भाई अब हम यहाँ से निकल भी चुके हैं, ये देखो चलते चलते थोड़ा नज़ारा भाई एकदम खूबसूरत मस्त ढलता सूरज, वाह। अब बस भाई यहाँ से आगे जाके हमारी जो नहर है वो भी कंटिन्यू हो जाती है, देखो यहाँ थोड़ा नहर उठा जिसे हम कह सकते हैं मस्त।
रीवा की ओर जा रहे हैं। जैसा राहुल भैया बताया 15 किलोमीटर है ना रीवा से, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की जगह है, यहाँ आ सकते हैं जब आए। तो राहुल भैया किन्हीं से पूछते हैं जिन्होंने पानी की व्यवस्था बताई थी बिना लाइट का पानी की व्यवस्था बताई थी, बिना लाइट का पानी की व्यवस्था बताई थी। तो राहुल भैया उनसे पूछते हैं कि वो जगह कौन सी है जहाँ लोग नहाते हैं और डूब जाते हैं ऐसे है? तो क्या कहते हो भैया आपसे? कहते यही कूदिए यही डूब जाइए भाई। सही पर सही है भाई, देख के बढ़िया तो लगा एकदम मस्त, सनसेट देख के मजा आया, फोटो वोटो लिए हम लोग भाई बढ़िया एकदम, और फोटो दिखाएंगे, हाँ फोटो दिखाएंगे डालेंगे भी, और बढ़िया एकदम नजारा तो लगा। तो यही था भाई, अभी शाम का अपना वक्त था तो जरा देखने आए थे यहाँ पे अपनी जो नहर है, और आई होप देख के मजा भी आया होगा। क्यों राहुल भैया, हमें तो मजा आया तो बढ़िया था। यही था आज के दिन के लिए, आज के ब्लॉग के लिए, आज के ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा टाइम लगता नहीं करने ना करने में। तो बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो राहुल भैया को भी उबासी आ रही है, थोड़ा नींद में है। तो हम भी आज का ब्लॉग खत्म करके नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।